आज स्पीकर महोदय, मैंने देखा आज आपने अजय दत्त जी को पूरा समय दिया है। और जिस तरीके से हमारे विधायक साथियों ने अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आई है कि फरिश्ते स्कीम जो थी बहुत ही बेहतरीन स्कीम थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मुझे लगता है कि भारत के अंदर पहली इस तरीके की स्कीम आई जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस स्कीम के का अनुकरण करते हुए अपनी एक स्कीम ला रही है। कुछ ही दिनों में मुझे पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरीके की स्कीम ला रही है, नेशनल हाईवेज वगैरह पे जो इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं उनको भी फ्री उपचार मिले। और जैसा विधायक साथियों ने बताया, मैं कुछ डेटा जो है सदन के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोग इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो 2-3 दिन पहले LG साहब ने भी एक पत्र लिखा और उन्होंने एक अलग डेटा लिखा। मेरा मानना है कि उनको उनके अफसरों ने गुमराह किया। डेटा इस प्रकार है कि जब ये 2018-19 में शुरू हुई स्कीम के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, 1540 लाभार्थी थे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, सरकार ने एडवर्टिजमेंट की, कैंपेन्स चलाई, 19-20 में ये संख्या 4419 हो गई, 20-21 में फिर बढ़ के 6131 हो गए। अब आप सोचिए 6131 बहुत बड़ी बात है कि आपने 6131 परिवारों को बचाया, बहुत बड़ी बात है। और फिर ये कोरोना की वजह से थोड़ी कम हुई, ये हुई 5456, मगर उसके बाद 22-23 के अंदर ये फिगर एकदम गिरी, ये हो गई 3698। और अब जो है इस साल ये फिगर और कम होती जा रही है। बड़ा सवाल अध्यक्ष जी ये है कि इस तरीके की स्कीम्स, इनकी अवेयरनेस तो लगातार बढ़ती है, तो स्कीम्स के अंदर लाभार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए, ये लाभार्थियों की संख्या घट रही है। और इसके अंदर जो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इलाज के लिए रिएम्बर्समेंट्स किए, वो भी जो है लगातार जो है इस स्कीम के अंदर घट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये स्कीम शुरू हुई तो इसके अंदर सरकार का खर्चा हुआ 2,74,00,000, बढ़ के पहुँचा 9,39,00,000, फिर बढ़ा 9,47,00,000, और उसके बाद से ये स्कीम घट के 5,95,00,000, फिर 4,85,00,000, और इस बार और मुझे पता चला है कि अब तक इस साल करीब 2,00,00,000 रुपये ही सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इस तरीके के लोगों का इलाज करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनको DGHS रेट देती है, सरकारी रेट देती है। जो उनका खर्चा होता है अस्पतालों का, जो प्राइवेट बिल होता है, उससे ये लगभग आधे से भी कम होता है। अस्पताल भी बड़े बड़े इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि वो फरिश्ते स्कीम के अंदर मरीजों को देखें, क्योंकि बड़ी बड़ी न्यूरो सर्जरीज, ऑर्थो सर्जरीज इसके अंदर होती है, कई बार मरीज महीने महीने भर तक अस्पतालों में रहता है। तो सरकार की एक कंसिस्टेंट कैंपेन की वजह से ये लाभार्थियों की संख्या बढ़ी। और अब जब कुछ अधिकारियों ने इनकी पेमेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देनी बंद कर दी, तो जाहिर सी बात है कि अब ये संख्या घट रही है। करीब 1 महीने पहले की ये घटना है, 3 दिन तक अखबारों में छपा अध्यक्ष जी, 3 दिन तक, और उस अखबारों में ये लिखा हुआ था कि पंचशील पार्क के पास कोई 30 साल का युवक करीब रात को 9 बजे मोटरसाइकिल से टकरा गया। वो मोटरसाइकिल पे था, उसकी मोटरसाइकिल फुटपाथ पे टकराई, वो वहाँ पे गिर गया, घंटों तक वो वहाँ पड़ा रहा, लोगों ने फोटो खींची, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, मगर कोई उसको अस्पताल नहीं लेके गया। बहुत देर बाद उनका ही कोई जानकार शायद उसको अस्पताल लेके गया, खून बहुत बह चुका था, कोशिश की गई मगर वो बच नहीं पाया, घर का इकलौता लड़का था, अभी अभी नौकरी लगी थी, घर के अंदर खुशी थी कि चलो जवान लड़का नौकरी पे लग गया, अब माँ बाप का सहारा बनेगा। आप सोचिए, एक जवान बच्चा शहर के बीचों बीच पंचशील पार्क की क्लब के सामने रोड पे खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई, 30 साल का लड़का था। और हालात ये थे कि बता रहे हैं कि उसका जो मोबाइल था
और उसका जो कैमरा था उसके बैग में वो भी कोई उठा के ले गया। इस तरीके की मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6,900 तक ये फिगर गई और ये आज 3,000 कुछ हो गई, तो करीब करीब 3,000 मौतें तो ऐसी हैं जिनके खून से इन अफसरों के हाथ रंगे हुए हैं। इन्होंने मर्डर किए हैं दिल्ली की सड़कों पे। और मैं मीडिया के बंधुओं से भी ये कहना चाहता हूं कि आप, एक मृत्यु हो जाए आप उसके लिए 5 दिन तक सरकार से सवाल पूछते हैं। यहां पे हजारों बच्चे जवान, पता नहीं किसका बच्चा होगा, किसकी बेटी होगी, किसका भाई होगा, किसका बेटा होगा, वो जवान बच्चे सड़कों पे गुजर गए और आपने उसके उनके पैसे तक रोक रखे। आप सोचिए कि किस हद तक जो है गिर गए। अध्यक्ष जी, मैं नया नया MLA बना था, मुझे पता है उस वक्त मीडिया उस वक्त दिखाता था चीजें, डरता नहीं था। मैं नया नया विधायक बना, हमने कहीं पे पानी की लाइन डलवाने के लिए शुरू किया, काउंसलर दूसरी पार्टी का था, उसने जाके काम रुकवा दिया। हमने अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा कर दिया वहां पे कि ये काम रुकवा रहा है, और फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई काम रुकवाने की, वो काम चला बिना परमिशन के चला। ये पब्लिक की ताकत होती है कि आप अगर पब्लिक का काम रोकेंगे तो सारी पब्लिक आपके खिलाफ हो जाती है, सारा समाज आपके खिलाफ हो जाता है कि आप काम कैसे रोक रहे हैं। ये हालत थी हमारे समाज की 2013-14 में। आज हम 2023 में खड़े हैं अध्यक्ष जी, ये बड़ी हैरानी की बात है, जनता के कामों को खुलेआम रोका जा रहा है। आतिशी बता रही थी आप, जल बोर्ड के काम है, विधायकों ने मेहनत कर करके एस्टीमेट बनवाए हैं, टेंडर हो रखे हैं, पैसा नहीं दिया जा रहा, काम रोके जा रहे हैं। PWD के अंदर काम रोके जा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के काम रोके जा रहे हैं। मैं चाहूंगा मीडिया के साथियों से कि कम से कम इसके ऊपर कुछ दिनों तक तो स्टोरीज कीजिए, अपना ये माइक कैमरा ले जाइए ना इन अफसरों के पास, इनसे पूछिए कि किसके आदेश में इन्होंने जनता के काम रोके। एक तो ये, दूसरा अध्यक्ष जी, आज ही कुछ सवाल पूछे हैं हमारे साथियों ने और उसके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं, तो मैं सिर्फ इस सदन के संज्ञान में वो लाना चाहता हूं कि यही नहीं है कि सिर्फ पैसे इन्होंने इस स्कीम के रोके। जो गरीब लोग मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर टेस्ट कराते हैं अध्यक्ष जी, हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर ये है कि अगर आप टेस्ट कराने जाएं और सरकारी अस्पताल में वो टेस्ट ना हो पा रहा हो तो आप रेफर कर देते हैं, प्राइवेट लैब में हो जाते हैं। इन अफसरों ने उन प्राइवेट लेबोरेटरीज के भी पैसे रोक रखे हैं। मैं सिर्फ आपको बता दूं, एजिलस डायग्नोस्टिक के इन्होंने 17,73,00,000 रुपए रोक रखे हैं, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के इन्होंने 3,13,00,000 रुपए रोक रखे हैं। अब अध्यक्ष जी ये बताइए, अगर आप 2 कंपनियों के 20 करोड़ रुपए रोक लेंगे तो वो टेस्ट कैसे करेगी, और वो कंपनीज जो हैं अब वो टेस्ट के लिए डिनाई कर रहे हैं, पब्लिक के टेस्ट नहीं हो रहे। तो ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं है अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह इस तरीके का है, और हमने कागज़ पत्री करके काफ़ी देख लिया, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास असर हो रहा है। अब तो ये लड़ाई हमको जनता की पंचायत में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि जनता है जिसने हमें यहाँ भेजा था, अब हमको ये जनता की जो है अदालत के अंदर इसको ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे इस बात को रखना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष जी, जो जनता 2013 में सोचती थी कि काम रुकवाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन, उस जनता की अदालत में हम सब लोगों को ये चीज़ ले जानी चाहिए, ताकि हम भारतीय जनता पार्टी को, इनकी केंद्र सरकार को, इनके LG को, उनके अफसरों को, सबको एक्सपोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।